अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो सुबह का सलाम आप सबको, सुबह बखैर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करें। तो सुबह का चाय वगैरह पी के अब जो है मैं निकला हूँ खेत की तरफ। तो टमाटरों की गुड़ाई चल रही है, तो करेंगे खेतों का काम। लेकिन ये है कि इस वक्त तक दिन जो है वो नहीं निकला है, क्योंकि मौसम आज पता नहीं किस वजह से अबर आलूद है। ये देख लें आप, तो ये देख लें यहाँ पे दिन बिल्कुल कमज़ोर कमज़ोर। तो चलेंगे सामने टमाटरों पर और करेंगे गुड़ाई जो है वो थोड़ी देर के बाद बना के खाएंगे। लेकिन फ़िलहाल सुबह सुबह ये चाय है भाई, मैदे के अंदर जाता है बस।
हाँ हुसैन भाई, क्या हो रहा है? इधर भाई गुडाई हो रहा है। सुनाओ, इस साल होगा कोई रेट शेड नहीं टमाटर को? मुश्किल है। हाँ, परेशान हो आज? खैर है बस। हाँ, मंडी का हाल हवाल पूछा है भाई। हाँ, बहुत ज्यादा टमाटर आता है, इतना टमाटर आता है। इसलिए परेशान हो? इसलिए परेशान है। बस अल्लाह खैर करेगा। अभी इसके ऊपर इतना मेहनत हो रहा है, ख्वारी हो रहा है। अल्लाह अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, इस साल रेट होगा। मुश्किल है, पता नहीं ये गंजा आएगा या इमरान खान आएगा, कोई पता, समझ से बाहर है हमारे तो। जो भी आएगा हमारा हाल यही है जाई। हाँ, तो दोस्तों यार, तो हुसैन भाई जो है ना, बड़ा मेहनत कर रहा है। आप सब दोस्त इसको सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। काफ़ी अच्छे से वीडियो बना रहा है हमारे गांव में, नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा मतलब व्यू दिखाता है आपको, अपना रियल लाइफ दिखा रहा है। काइंडली सब दोस्त जितने भी हैं, आप इसे सपोर्ट करें, इसकी वीडियोज़ को आगे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसे सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। यार देख रहे हैं आपके सामने, इस टाइम सुबह का टाइम है, तकरीबन कोई 7 बजे का टाइम है, तो 7 बजे से उठ के ये मेहनत कर रहा है सुबह सुबह। तो काइंडली आप सब इसे सब्सक्राइब करें। और जित आ गया हूँ घर, थोड़ा सा करते हैं रेस्ट, इस वक्त मशीन के अंदर कपड़े भी धुलाई हो रहे हैं, तो फिलहाल रेस्ट करते हैं, उसके बाद खाएंगे। दोस्तों ये है हमारा आज का खाना, तो ये आलू जो है आग में डाल के, उसके बाद निकाल के और जो है कूट के, फिर जो है नमक और घी डाल के इनको जो है ना फ्राई करते हैं। तो अभी बिस्मिल्लाह करके खाते हैं, सुबह करेंगे एंड। तो ये मॉर्निंग गांव की सुबह आपके साथ शेयर की है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें इजाज़त, अल्लाह को खुश रखें।